महाभारत की ये बातें शायद ही आपने कभी सुना होगा। श्री कृष्ण जो कि द्वारका के शासक थे, उनका एक बहुत शक्तिशाली शत्रु था जिसे राजा सलवा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि राजा सलवा के पास एक शक्तिशाली उड़ने वाली मशीन थी जिसे सौभा विमान कहा जाता था। यह विमान आकार में इतना विशाल था कि इसे द फ्लाइंग सिटी ऑफ सलवा भी कहा जाता है। राजा सलवा इसका उपयोग हवाई युद्ध के लिए किया करता था। एक बार राजा सलवा श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर हमला कर देता है। राजा सलवा और प्रद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध होता है। सलवा अपने उड़ने वाली मशीन से विनाशकारी आग के गोलों से हमला करता है और पूरी द्वारका में तबाही मच जाती है। जब ये सारी बातें श्री कृष्ण को पता चलता है तो वो सलवा से युद्ध करने चले आते हैं और आखिर में सुदर्शन चक्र के मदद से सलवा का वध कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, ये सब उन्होंने अपने आंखों से देखा था।